नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैम लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करेंगे, कितने लोगों ने बोला था कि आप वशीकरण का एक मंत्र बताओ, तो आज मैं वो बताऊंगी। लव मैरिज, कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि भाई लव मैरिज हम करना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल जा रही है, वो भी बताऊंगी। और कई बार क्या होता है, लव मैरिज हो जाती है लेकिन लव का नामो निशान नहीं रहता, तो अब हम क्या करेंगे। तो आज मैं कुछ चीजें ये कवर अप करूंगी, लेकिन ये जो चीज है ये दो कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि कई बार ना जैसे कुछ मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर वो बोलती है कि अब इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक है कि भाई हम ना इससे प्यार करते हैं लेकिन वो बाहर कुछ कुछ करता रहता है, औरों के साथ बातचीत और वो सारी चीजें करता रहता है। अब पहली चीज तो ये बताओ, ये कौन सा प्यार है कि वो, मुझे पता है वो प्यार करता है लेकिन ये सारी चीजें करता है, तो इन लोगों के लिए ये उपाय नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग है, कल भी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि वो बोल रहा है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। देखो, जो पहले से ही स्टैंड नहीं ले रहा तो फिर बात कैसे बनेगी। तो ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, आप प्लीज अपना टाइम और अपना मन खराब मत करना, अपनी लाइफ मत खराब करना इस चक्कर में। अब हम शुरू करते हैं। अब पहली चीज तो ये है, एक तो ना खीर और केसर, फ्राइडे के दिन और पूर्णिमा के दिन खीर और केसर का है ना सेवन आप भी करो और अपने पार्टनर को भी कराओ, पहली ये चीज। तो अब जो चीज मैं आपको बताऊंगी जबरदस्त वैसे काम करेगा, ये माँ उपाय समझ के चलना। देखो, अगर तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, है ना, प्यार बहुत है लेकिन स्ट्रगल्स बहुत आ रही हैं, मैरिज होने में भी स्ट्रगल हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है चाहे वो दूसरी स्ट्रगल है, तो अब हम क्या करेंगे। और जिनकी शादी हो गई है लेकिन प्यार नहीं है, प्यार खत्म होता जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। आपने क्या करना है, आपने जाना है कृष्ण और राधा के मंदिर में, वहां पर आपने तुलसी मिश्री का भोग लगाना है। रेगुलर बेसिस पे करना है, एक बार करने की फॉर्मेलिटी मत करना, इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अब एक आपको मंत्र बता रही हूं, देखो जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है उसका ध्यान करके आपको एक मंत्र बताने जा रही हूं। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस चीज का आपने, उसका ध्यान करके, पार्टनर का ध्यान करके आपने ये जप 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 करना। ये चीज आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट एक चीज बता देती हूं, जब अगर आपके पास कोई पत्री आई है, अगर आपके पास कोई रिश्ता आया है, उसका अगर शुक्र और चंद्रमा का युति है तो मान के चलना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, शुक्र आपको भी पता है ना, वासना का भी कारक होता है चंद्र, तो क्या होगा उसका ऑपोजिट जेंडर से हमेशा अट्रैक्शन हमेशा रहेगा, और अगर ये चीज रहेगा तो कौन ऐसा इंसान है उस चीज को टॉलरेट करेगा, पहले मुझे ये बताओ। तो थोड़ा पत्री भी देखी जाती है, कंजंक्शंस देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन जैसे 6-8-12, 5-8-12 का, 3 से ज्यादा अगर नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से भी पत्री खोल लेना, देख लेना, अगर उस हिसाब से चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। पहली बोल के चल रही हूं, सीधी बात है। अब आपने दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज ये करनी है, एक मुखी रुद्राक्ष को या 4 मुखी रुद्राक्ष को, महंगा मत लेना, महंगे इतने लाखों के मत ले लेना, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन के हिसाब से वो चीज आप देख लेना। अब आपने क्या करना है, इसको दूध में डालकर आपने पी जाना है। ये रोज डालोगे, रोज दूध पियोगे, बेशक इतना सा पियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको दूध को थोड़ा सा गर्म करो, उसमें ये डालो और फिर पीना शुरू करो। ये पता है क्या करेगा, ये मन को भी मजबूत करेगा, ये रिलेशनशिप को भी मजबूत करेगा। हम यही तो चाहते हैं कि जिस जो भी कंपेनियन है स्पिरिचुअली आप उसके साथ ग्रो हो, है ना, आपकी उसके साथ जुड़कर आपको तरक्की मिले। अब तीसरी चीज से शुरुआत करते हैं। तीसरी चीज आपने क्या करना है, बांसुरी में शहद या चीनी भरकर आपने किसी भी वीरान जगह पे गाड़ना है, और कब गाड़ना है, रेगुलर बेसिस पे शनिवार को गाड़ना है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, महीने में कम से कम 2 बार जरूर करो। अब एक और चीज बता देती हूं, जितने भी कपल्स हैं ट्राई करो शनिवार को नहीं मिलना, अमावस्या को नहीं मिलना, अगर तो शादी नहीं हुई है तो, अगर तो शादी हो गई है फिर तो आपको, है ना, तो शनिवार और अमावस्या को कोई ऐसी हरकतें
मत झाड़ना जिससे झगड़े कलेश हो जाए। कहते हैं ना, अगर आपको पता है आप उपाय कर रहे हो तो मीठा थोड़ा आपको ही बनना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? या तो अगर आप मान लो, है ना, आप चाहोगे उपाय भी करो, झगड़े भी करो, और चाहोगे ठीक भी चीजें हो जाए, फिर तो कैसे ही होगी, फिर तो नहीं हो पाएगी। और कब मिलना है, जितने कपल्स है मेक श्योर कि आप पूर्णिमा और फ्राइडे को जरूर मिलो ही मिलो। अगली चीज जो करनी है वो करनी है आपने सौंफ की चाय पीनी है। सौंफ की चाय दिन में एक बार पिया करो। इससे क्या होगा, इससे शुक्र मजबूत होगा। वैसे भी अब आपको एक चीज बता देती हूँ, जो एक इंसान का मुख्य ग्रह है अगर वो कमजोर है ना, तो ये आपको आज की डेट में आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स तो वैसे ही गूगल और यूट्यूब से बन चुके हैं। मुख्य ग्रह देखो और मुख्य ग्रह को जितना स्ट्रेंथन कर सकते हो, सेवेंथ हाउस में जितना प्लैनेट को स्ट्रेंथन कर सकते हो, उतना ही रिलेशनशिप में तरक्की आएगी। लेकिन एक चीज बताती हूँ, फिर वो ये चीज बोलूंगी, कुछ जो चीजें होती है ना वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी होती है ना। तो जब हम ये चीज सोचते हैं कि नहीं जी यही चाहिए, तो आप सोचो कि अगर आप जो चाहते हो वो चीज नहीं हुई तो ऊपर वाला आपको प्रोटेक्ट करे जा रहा है बार बार। समझे मेरी बात को? क्योंकि कई बार लोग कहते ना, ऊपर वाला भी एक बार बचा लेगा, दो बार बचा लेगा, दस बार जिद करके करोगे फिर स्ट्रगल जाएगी, तो उसका क्या फायदा। ठीक है पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।